इंडिया में आई बन चुका है वो तो नहीं बना सकेशन उसकी हो आई ये आई ये हमारा भी जो टॉप ग्रेजुएट है वो किसी आई के स्टूडेंट से कम नहीं है जो स्टूडेंट एच में जाता है जो रूट में जाता है उसको तो पहले ही पता है की पाकिस्तान मेरी मल्कित है स्कूलों के अंदर गए वैसे बंदी होती हैं जो एक दो अरब रुपए के अंडर पास बना देते हैं फ्लाई ओवर बना देते हैं आठ आठ दस दस अरब रुपए के इसकी जगह लोगों में इन्वेस्ट करें जितने भी ज़्यादातर पॉलिटिशन मैंने देखे हैं वो सब ड्रीम सेलर्स हैं आप कोई भी इदारा उठा दें जो इंडिपेंडेंट है कितना अच्छा वो काम करता होता है डालें उसको गर्मी के नीचे जाके आपका पी तक भी ना वो अफसर लगा होता है जाए ना को बंदा कोई यार मैं यहाँ का बादशाह हूँ आज काफ़ी इंडियन जो है वो वाया दुबई पाकिस्तानी सॉल्ट परचेज़ करते हैं और मेड इन इंडिया करके उसको वो एक्सपोर्ट करें Assalamualaikum to all people inside Pakistan and outside the country. you watching a podcast by Startup Pakistan, and this is your host Sohib Siddiqui. Hazrat. joined us. We are very, very fortunate to have him. He is not only the youngest minister in the history of Pakistan, but also has been educationalist for quite handsome number of years. Currently, he looks after the Ministry of Transport, Mining, and Livestock, or, and he is President at UMT. Yes, I am talking about Ibrahim Hassan Murad. Sir, thank you so much for being part of our show. Thank you for having me. सर इट्स प्लेजर टू हैव यू अच्छा बिगिन द कन्जेशन फर्स्ट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपका अर्ली एजुकेशन अर्ली बैकग्राउंड और अल्टीमेटली कैसे फ्राम द एजुकेशन साइड पर आप मूव किए हैं क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट योर प्रोफाइल आपने वारिक से ग्रेजुएशन की हुई है तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस आपका बचपन कैसा था और क्या था लाहौर आपका अच्छा सवाल है Uh, मेरे एक जानने वाले उनसे भी किसी ने पूछा कि ये एजुकेशन के अंदर क्यों आए या इनके फैमिली जो है वो क्यों एजुकेशन के अंदर आए तो शुरू इस तरह होता है कि वी ऑलवेज बिन अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट तो माय ग्रैंड मदर्स ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज द नवाब ऑफ भोपाल एंड ही सेटअप थ्री यूनिवर्सिटीज़ एंड सेवेंटी वन मदारस तो इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही एक इनिशियल स्टेज पे भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस इस्टेबलिश की ऐसी बुक्स थी जो अरबिक में थी उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया वेरी नाइस डिसमिनेट किया ऑल अक्रॉस द सब कॉन्टीनेंट फिर उन्होंने अरब वर्ल्ड से स्कॉलर्स को बुलाया और उनको वज़ाइफ पे रखा और वहाँ से फिर जो है वो एक एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई सर सै दिस इज़ 1850 1880 आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंड मदर्स ग्रेट ग्रैंड फादर तो वहाँ से फिर हुआ ये कि माई ग्रैंड फादर्स अंकल मटर्नल अंकल उनके जो मामू थे ही वॉज़ द चांसलर ऑफ अलीगढ़ और uh, जो मेरी uh, दादी थी इनके दादे ही वॉज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अलीगढ़ उन्होंने उसकी इंडाउमेंट दी थी फिर फास्ट फॉरवर्ड हुआ ये कि मेरे जो समझे दयाल है माई फादर माई ग्रैंड फादर एंड माई ग्रेट ग्रैंड फादर देवर ऑल इंजीनियर्स आपने बताया आप भी इंजीनियर्स हैं तो माई फादर डिड सिविल इंजीनियरिंग फ्राम एन ई डी फिर उन्होंने यू एस से मास्टर्स किया माई ग्रैंड फादर डिड सिविल इंजीनियरिंग फ्राम एन ई डी नाइनटीन फिफ्टी वन में वो अमेरिका गए सिविल इंजीनियरिंग में एम एस करने और मेरे जो पर दादादा थे उन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग की नाइनटीन जीरो एट में तो ये समझें एक एजुकेशनल बैकग्राउंड था कि वेंट लाइक फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी गोइंग पीपल हमारी फैमिली में एजुकेशन से लगाव था फिर देवर पीपल इन आर एनसेस्टर्स जिन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए थे तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि माय फादर वाज अबाउट सिक्स इयर्स ओल्ड और उनके घर उनकी पुप्पू आई उन्होंने पूछा कि आप uh, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ अच्छा तो वो बड़ी हैरान परेशान होंगे एक छः साल का बच्चा जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि क्यों आपको किस तरह तो उन्होंने बताया कि मैंने कहीं देखा था और वो उनका बड़ा एक प्रोफाइल होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस तरह की बात हुई तो तकरीबन समझें कि उसके कोई पच्चीस छब्बीस साल बाद इट वॉज़ माई फादर हुटार्टड दिस ऑनट्रप्रनोरल जर्नी और वहाँ से ही इस्टेब्लिश दी इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नाइनटीन नाइन्टी ठीक है तो ये समझें एक इंस्टीट्यूशन यहाँ से इस्टेब्लिश हो गया फिर फास्ट फॉरवर्ड मैं जब स्कूल में था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन इंजीनियर अच्छा क्योंकि मेरे दादा पर दादादा और लक्ड़ दादा ये सब इंजीनियर्स थे तो फिर मैंने देखा कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा गाड़ियों में था कार्स में तो आई वॉन्टेड टू डू ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मैंने देखा दुनिया में किधर होती है पाकिस्तान में शायद एक दो यूनिवर्सिटीज़ थी लेकिन फिर मैंने एक और रियलाइजेशन मेरे में आई कि मेरा इंजीनियरिंग से ज़्यादा ऑटोमोटिव डिज़ाइन की तरफ आ, फोकस है तो स्कूल में आई हैड बोथ सब्जेक्ट्स आई वाज स्टडिंग साइंस आई वाज आल्सो स्टडिंग आर्ट्स और फिर एक दिन मेरा किसी से डिस्कशन हो रहा था तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंजीनियर्स उन्होंने मुझे कहा कि जो भी इंजीनियर्स हैं ये मैनेजर्स के लिए काम करते हैं तो वहाँ फिर मैंने कहा अच्छा भाई सही चीज़ तो पढ़ने वाली मैनेजमेंट है इंजीनियर का इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और साथ एक मैनेजर के अंडर अगर जॉब करनी है या काम करना है तो बेहतर है कि आप मैनेजमेंट पढ़ें फिर मैंने शिफ्ट किया और फिर मैं जब कैनेडा गया पढ़ने फॉर माई अंडर एट वेस्टर्न तो आई चोज ग्लोबल कॉमर्स ठीक है तो ग्लोबल कॉमर्स पहले आपने एडमिशन ले लिया था ऑटो ऑटोमोबाइल नहीं वो फिर मेरा अच्छा, प्लान वो, प्लान वो, वो मैंने कहा कि मैनेजर बनते हैं और फिर मैंने कहा कि ग्लोबल कॉमर्स मैनेजमेंट ये पढ़नी चाहिए उसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पोलिटिकल साइंस में तो देन आई वॉज डूइंग डबल मेजर्स थोड़ा सा मैं मैं आपको करता आपने Canada, मतलब you chose for your graduation, why not US या फिर वगैरह? अच्छा था। ये था कि, आ, मैं, मेरा personal जो preference था कि मेरा जो लेकिन उस वक्त फिर पोस्ट नाइन इलेवन हालात ऐसे बन गए थे कि हमारी जो डिस्कशन हुई हमने कहा कि कैनेडा इज अ सेफर ऑप्शन कि उधर लेट से रिहाइश के लिहाज से और माहौल इन्वामेंट के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा कंड्यूसिव है फ्रेंडली है तो मेरी बहन जो थी शी वॉज ऑलरेडी स्टडिंग एट वेस्टर्न तो वेस्टर्न के अंदर इनका जो तो बिजनेस स्कूल था रिचर्ड आईवी स्कूल ऑफ बिजनेस वो दुनिया का वन ऑफ़ द टॉप बिजनेस स्कूल है मैं आता है तो मुझे था कि मैं उतर कोर्सेज ले सकूँगा इसमें तो डेवलपमेंट मेरी थोड़ी बेहतर हो सकेगी तो दिस इज़ वाई आई चूज़ कैनेडा अच्छा इसके बाद आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम कनाडा एक होता है ना कि पेयर प्रेशर या बाकी आपके दोस्त वगैरह दोस्त अहबाब वो जाके एम में काम कर रहे हैं बल्कि बिग फोर में काम कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ पे काम वहाँ पर रुक काम करूँ या दोबारा पाकिस्तान आना था वो किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड uh, हुई एक तो ये कि uh, मैं जब बाहर भी था तो आई वॉज ऑलवेज़ वेरी इंपेशन कि मैं पाकिस्तान वापस कब जाऊँगा और लोग होते थे उनका प्लान ये होता था कि अब इधर आ गए हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि पीआर लेंगे आप और अपने कंप्लीट करेंगे टेन्योर एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स तो रेजिडेंसी तो कुछ लोगों का ये होता था कि हम कम से कम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लें कि हम ऐसे इन्वामेंट में काम करें कि हम एक्सपोजर हो जाए अच्छा और फिर हम पाकिस्तान आएँ बाकी का ये होता था कि हम इधर ही सेटल हो जाए तो मेरा ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था और मुझे शुरू से एक था कि मैंने पाकिस्तान वापस आना है और मुझे याद है कि एक बार हालात पाकिस्तान के काफ़ी ख़राब थे 2012 की बात है और मैं काफ़ी मतलब जो है ना दुखी हुआ और मुझे एक और मतलब उस वक्त समझे कि आपको जोल्ट मिलता है कि मैंने कहा कि मुझे जो है ना पाकिस्तान ज़रूर वापस जाना है और कुछ ऐसा काम करना है कि इससे मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ सके तो इनिशली आप चाह रहे थे कि एज आ आपने एम्प्लॉयमेंट करनी थी या फिर ये यू वांटेड टू स्टार्ट योर बिजनेस या फिर बाबा के साथ थोड़ा सपोर्ट करना था क्या था पाकिस्तान आने के बाद और उस टाइम आपके बाबा क्या कह रहे थे कि यार ठीक फैसला गलत फैसला या इतने पैसे लगाए या जाओ वापस एनिडर वहाँ पर जाके काम करो या क्या था आ, मेरा कभी ऐसा प्लान तो नहीं था कि मैं जॉब करूँगा मैं आपको इससे आगे बताता हूं कि मैंने मास्टर्स किया वारिक है तो जब मैंने मास्टर्स किया तो मुझे सऊदी में एक जॉब ऑफ़र हुई और ये कि उस वक्त दिस इज़ ट्वेंटी फोटीन तो ट्वेंटी फोटीन में मेरे खास को अस्सी नबे रुपये का डॉलर होता था और उस वक्त कोई महीने के साढ़े सात आठ लाख रुपए की पे थी जो मुझे ऑफर हुई तो मैंने वाले साहब को बताया कि मुझे तो सऊदी अरब जॉब ऑफर हो गई है तो मुझे एक दो साल दें मैं ज़रा इन्जॉय करूँगा थोड़ा काम करूँगा और जो अपने पैसे कमाने का एक मज़ा होता है वो लूँगा तो उन्होंने कहा कि कि डोंट हैव सेकंड थॉट्स यू आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान और इधर आके काम करो तो मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो इधर मेरा जो डिस्कशन हुआ उनसे तो उसमें उन्होंने कहा कि आपको जो दिल करता है आप करें आपको नहीं में करता कि आप अपने जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसको ज्वाइन करें या कोई और आपने बिजनेस करना है आपने बिजनेस करें कोई और काम करना है लेकिन मुझे ये था क्योंकि जब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था तो आई हैड थ्री ऑप्शंस। वन वॉज द सेकंड वन वॉज इंटरनेशनल रिलेशन और तीसरी जो थी वो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट थी तो उस वक्त जो मेरी जैसे कहते हैं ना कॉलिंग उसमें फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि एजुकेशन इज़ अ फील्ड दैट आई वॉन्ट टू पिक और इट इज़ अ फील्ड वेर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड इट इज़ अ फील्ड वीर आई कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री तो ये मुझे तो, तो उसके लिए, लिए स्टार्ट के लिए फिर आपने वाले साहब के साथ यू को ज्वाइन किया या फिर अलग से कुछ करना चाह रहे थे क्योंकि अगर एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है आप पॉलिसी मेकिंग तरफ जा सकते हो आप मतलब सी एस एस कुड भी वेरी गुड ऑप्शन उस टाइम के अंदर आ कर आप करो और बाद में जाके पॉलिसी के ऊपर आप सी करके ब्योक्रेट बन जाओ ताकि आप एक डिवाइस कर पाओ कुछ क्योंकि वो एक रूट था दूसरा ये कि आप ग्राउंड पर जाकर एन के साथ जाके काम करो अवेयरनेस करो तो तो हाउ डिड हाउ डिड यू चूज कि आपने यूएमटी जॉइन करना है एक तो ये कि आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय फादर द वे ही रेज्ड मी बचपन से ही उन्होंने एक तो मुझे अपने साथ रखा मतलब बाकी जो बच्चे होते थे उनकी छुट्टी होती थी वो रिलैक्स करते थे तो मेरे जो घर में होता था कि मुझे तैयार करके वो ऑफिस भेज देते थे और ग्रेड नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व में समर्स में बच्चे जो है वो याशी करते थे खेल कूद करते थे मुझे जो है एक ना एक इंटर्नशिप करनी पड़ती थी जो कि कम से कम दो से ढाई महीने चलती थी और मुझे याद है कि पहली इंटर्नशिप थी उसमें मुझे पाँच हज़ार रुपये मिले ग्रेड नाइन में अगली थी उसमें आठ हज़ार मिले तो एक समझे रूटीन बनने की आदत के नाइन टू सिक्स कैसे काम होता है और, और दो तो चार पाँच शुरुआतों के अंडर कैसे काम किया जाता है तो इस तरह की चीज़ें जो एक सीखी मैं एक मैं स... इस तरह हुआ कि एक मुझे एक उस तरह का एक्सपीरियंस मिला जो कि जिसने मुझे ट्रेन किया कि आगे जाके किस तरह जो है ना काम किया जाता है तो जब ऑब्वियसली मैंने ग्रेजुएट किया उसके बाद मैंने जॉइन किया वाले साहब को तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप काम करना चाहते हैं यू रियलाइज्ड एंड डिसाइडेड तो कल आप दफ्तर आ जाएं और मैं कल अगले दिन कुछ साढ़े नौ बजे सुबह दफ्तर पहुँच गया सूट टाई पहन के और कुछ नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में काम हाँ। करना है बस चले गए हैं बस वाले साहब ने बुलाया तो मैं चला गया और आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे सामने जो विजिटर चेयर थी उस पर बिठा दिया और मैंने एक दो दिन बाद उनसे कहा कि मैं वॉरिक से पढ़ के आया हूँ टॉप फिफ्टी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड मेरे दोस्त हैं वो सब डायरेक्टर बन गए मुझे आपने आगे विजिटर चेयर पर उठा है उन्होंने कहा नहीं अभी आप इधर ही बैठे तो आप यकीन करें कि सिक्स मंथ्स आई वॉज सिटिंग इन दिजटर चेयर और फिर मैंने कुछ अरसे बाद रियलाइज़ किया कि वो मुझे टेबल की दूसरी साइड से डील करना सिखा रहे थे अच्छा तो उसके बाद जो है कुछ अरसा गुजर गया और मैंने कहा कि मुझे कोई मीटिंग करनी होती है तो आपके सेक्रेटरी का ऑफिस यूज़ करना पड़ता है

तो फिर बाद में उन्होंने कहा अच्छा अब आपको एक लगाते हैं आपकी ड्यूटी लगाते हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं आपने जितने स्टूडेंट्स हैं इनकी जो भी कंप्लेन हैं और इश्यूज़ हैं ये आपने सुनने हैं तो मैंने अब सोचा कि मैंने कहा मैं कोई अहदा मांगा था मुझे कोई बड़ी पोजीशन मिलेगी तो मुझे उन्होंने पूरा दिन जो लोगों की शिकायतें सुनने के लिए लगा दिया है लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो उस इंस्टीट्यूशन में इम्प्रूवमेंट के जितने भी एरियाज थे वो सब मुझे पता लग गए तो ऐसा एक समझे इंक्रीमेंटल जो है ना एक मेरी डेवलपमेंट हुई कि जिस प्रोसेस से मैं गुजरा के उससे मैंने सीखा और के आगे वाले जो चैलेंजेस थे उनके लिए मैं अपने आप को समझें कि ऑल क्रेडिट टू माई फ़ादर डेवलप्ड मी इन अ वे के आई गॉट प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर चैलेंजेस थोड़ा सा हिस्ट्री मुझे बताएं यू के बारे में स्टार्ट कैसे हुआ क्योंकि पाकिस्तान में काफी कम आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रही है साथ में अफोर्डेबल भी है यू एम इज वन ऑफ देम तो यू एम के जर्नी वाले साहब को मतलब कैसे क्योंकि वो आपने बताया कि आपके पर दादा के वो दादा वो बनाए करते थे इकहत्तर मदरसे और वो चीज़ें क्योंकि बाबा ने तो आपके वी बनना था ना वी तो कुट भी कि आप जाके किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप अप्लाई करो बन जाओगे लेकिन अपने अपने ही बना देना मतलब यू बना देना तो वो क्या था प्रोसेस थे क्वेश्चन है आपका <clears throat> हुआ ये कि ही वेंट टू द यू एस वॉर इज़ एम बी है नाइनटीन एटी एट में वो वापस आए एंड देन ही स्टार्टिड वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स इन पाकिस्तान जो कि दाऊद ग्रुप है विच इज़ नाउ एंग्रो तो समझें कि टॉप कॉरपोरेट जॉब एन ही वॉज वर्किंग डायरेक्टली विद सेठ वॉज हुसैन दाऊद तो उन्होंने एक कुछ रियलाइज ये किया कि आई एम वर्किंग एट द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और टॉप लेवल काम है इधर हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं बिग डिसीजन मेकिंग लेकिन जो टीम हमारे पास होनी चाहिए ठीक है जो उसके पास स्किल होनी चाहिए जो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है तो उन्होंने फिर एक आइडिया बनाया कि वी शुड स्टेबलिश लीडरशिप अकेडमी और ये आइडिया इन्होंने शेयर किया दैन सी ओ के साथ उन्होंने उसको देखा उन्होंने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास होनी चाहिए जितने अच्छे हमारे पास लोग होंगे इतनी अच्छी कंपनी के आउटपुट्स होंगे रिजल्ट्स होंगे ग्रोथ होगी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो जो आइडिया था फिर वो पिच हुआ उस वक्त के चेयरमैन के पास उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया है ये एट ए लेटर स्टेज आदमी करता है समझे जब आप फिफ्टीज़ में आ जाए सिक्सटीज़ में आ जाएँ तब तो आप कहते हैं अच्छा मैं कोई इंस्टीट्यूशन बनाता रहता हूँ यंग एज में आदमी करता है बिज़नेस और वो बनाता है पैसा और इंडस्ट्री की तरफ फोकस करता है ग्रोथ तो अभी आप इसको बाद में किएगा तो माय फादर आ, वाज क्या कहते हैं नॉट डिसअपॉइंटेड लेकिन थोड़े से ऐसे हुए कि उनको अपॉर्चुनिटी थी चाह रहे थे लेकिन ही वो सो इन टू द आइडिया कि उन्होंने कहा कि मैं खुद बनाऊँगा तो अब जिस तरह फर्ज करें हमारा भी कोई अच्छा आदमी छोड़ के जा रहा होता है तो उसको कहते हैं कि दुनिया बड़ी जालिम है और तुम चलनी पड़ो पाओगे और ये ऑन्टोरियल जर्नी कैसी होगी और आप यकीन करें कि ही स्टार्टेड विद टू हंड्रेड थाउजेंड रुपीज लोन फ्राम इज फादर्स फ्रेंड दो लाख रुपए का लोन लिया और दो किराए के कमरे एंड दैट इज हाउ ही द इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लाहौर तो उन्होंने उनको कहा कि उसका मेरा इस क्या था इस का? उनका उसमें यह था कि बेसिकली हम मैनेजर्स और लीडर्स प्रिपेयर करें फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें शॉर्ट कोर्सेज हों जिसमें फ़र्ज़ करें एक कोर्स है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कि आप उसमें आएँ आप सीखें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होती है दैन यू स्टार्ट डूइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिर लेट से हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट किस तरह होती है फिर ये कि सप्लाई चेन कैसे होती है फिर एजुकेशन मैनेजमेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर फाइव डे थ्री डे कोर्सेज थे अच्छा अब वो फ़र्ज़ करें जो वर्किंग फोशन थे वो आ गए जो जॉबलेस थे वो आ गए फिर जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए थी वो आ गए अच्छा और वो चलता रहा काम और इतना सक्सेसफुल हुआ उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू ऑफ़र अ डिग्री अब वो डिग्री कैसे ऑफ़र करते दो किराए के कमरे थे ठीक है

तो फिर उन्होंने किया ये कि उन्होंने सोचा कि इसका सलूशन होना चाहिए तो ये गए कराची और उधर जा के मिले हकीम सईद से तो हकीम सईद वॉज फाउंडर ऑफ़ हमदर एंड ईल्सो एट अवर्सिटी नेम हमदर्द यूनिवर्सिटी लेटर ऑन ऑल्सो बिकेम द गवर्नर ऑफ सिंध तो उनके पास वो गए उन्होंने आइडिया बताया कि ये मेरा आइडिया है ये मेरे दो किराए के कमरे हैं <laughs> और मैं यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ़र करना चाहता हूँ लेकिन जो है मेरे पास फैकल्टी भी है टॉप नॉच फ्रॉम द कॉपोरेट सेक्टर मैं खुद यू एस एम बी ए हूँ और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है तो उन्होंने जब सुना एक समझे कि यंग आदमी माई फादर वेन ई स्टार्ट दिस ही वॉज थर्टी वन तो आप सोचेंगे थर्टी वन में लिविंग वेरी हाई लेवल जॉब इन विच यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद सी ओ द ओनर और वो छोड़ के आप दो लाख ,00 किसी से

तो वहाँ से फिर जो है इन्होंने एम शुरू किया फ़र्स्ट एम प्रोफेशनल डिग्री इन लाहौर और देवर थ्री बिजनेस स्कूल्स एट दैट टाइम एक लम्स था 85 में इस्टैब्लिश हुआ था

बट वी वर इन रेंटल प्रॉपर्टीज मतलब एक समझे दो कमरे थे तो उधर से फिर पूरा घर ले लिया फिर वो घर था तो एक और कोई दो चार कनाल का घर था वो किराए पे ले लिया से एक और किया। प्रोसेस के अंदर था? आपका इंटेंशन ये तो नहीं था कि आपने पैसा अन्न करना है लेकिन जो इतना इतना पैसा अर्न कर लो कि सिस्टम तो खड़ा हो जाए अपने पाँव पे क्योंकि आप पहले दो लाख का कर्जा नब्बे में दो लाख इज अग थिंग जो कि बीस पच्चीस लाख होंगे आज के तो वो एक करना और एक जवान बंदा यूएस एस एम बी ए बंदा सब कुछ छोड़ के कर रहा है तो एक बड़ा उसके लिए जिगरा चाहिए करने के लिए तो ये था ऑब्वियसली उन्होंने डे वन क्योंकि हियट एंड एम बी फिर वो इंजीनियरिंग डिग्री थी तो रैशनल माइंड था फिर कमर्शियल सेंस आ गई फिर दाऊद्रूप में जब काम किया तो पता लग गया कि किस तरह चीज़ें होती हैं तो डे वन से ही उन्होंने इसको ऐसा स्ट्रक्चर किया कि ये सस्टेनेबल वेंचर हो सेल्फ सस्टेनेबल वेंचर हो कि हमें लोगों से पैसे ना मांगने पड़े और जो भी सरप्लस हो हम उसको हंड्रेड परसेंट री इन्वेस्ट करें ताकि ये ग्रो करें एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर आर ग्रोथ तो बीच में ऐसे वक्त भी आए जिसमें फ़र्ज़ करें कि छः छः महीने सैलरीज़ के पैसे नहीं थे और ये कि पंखा चलाने के भी पैसे नहीं थे बनियान में काम हो रहा होता था दफ्तर पर बैठ के और एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि शबाज शरीफ तो थे ही वॉज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम ठीक है प्रॉब्ली नाइन्टी थ्री तो उन्होंने उनको उन्होंने इन्वाइट किया पाए मीटर स्टूडेंट्स ये वो इस तरह उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और उस वक्त दफ्तर में सिर्फ चार लोग होते थे एक ऑफिस बॉय था और माई फादर द फर्स्ट पर्सन वू ज्वाइन दस आबिद शिरवानी एंड देन वन मोर पर्सन तो तौफ़ी साहब या उनका अब्दुल्ला साहब नाम था तो बशीर गार्ड सॉरी गार्ड था ये लोग बाद में आए थे तो हुआ ये कि जो ऑफिस बॉय था उसकी कोई दो चार दिन पहले हुई थी शादी उन्होंने कहा तुमने तैयार होके आना होता है ये वो सूट शूट वो अपना शादी का सूट पहन के खड़ा हुआ था तो हुआ ये कि उनको रिसीव किया शहबाद साहब को वो ले कर ऑफिस में आ गए अच्छा वो समझे कि ये कोई इनका फैकल्टी का लेक्चर उन्होंने उसको हाथ से बैठे कहा साथ बैठ जाओ अब वो जब बैठ गया साथ तो चाय उसने बनाने <laughs> अब हुआ ये कि उन्होंने देखा कि यार ये चाय बनाई वो अंदर बैठ के तो जो आबिद साहब थे जो फर्स्ट बारे वो थे वो जाके उन्होंने किचन में जाके चाय बनाई और वो चाय लेके आए उन्होंने चाय सर्व की तो बड़ा समझे कि लिमिटेड रिसोर्सेस से ये शुरू किया और बहुत मुश्किल डाउन बीच में एक बार बैंकट भी हो गए और ये कि बस अल्लाह ताला ने लेकिन ये कि कामयाबी दी नीयत अच्छी थी और विजन बहुत बड़ा था स्टार्ट में कितना एक बच्चा था मतलब पहले बैच के अंदर जब स्टार्ट एम किया था तो कितना एक था शुरू तो देखें जब पहले प्रोग्राम एडवर्टाइज़ किया ना तो कोई कॉल ही नहीं आई तो उन्होंने कहा कि हमारे अच्छा, पास डिमांड भी कॉल भी नहीं आ रही दस बीस हज़ार रुपये थे तो वो किस्त पे किसी से जंग में ऐड लगवाया और ऐड लगवाया तो कॉल ही कोई नहीं आई उन्होंने कहा कि दस बीस तो इन्वेस्टमेंट इधर ही चली गई तो अब क्या करें तो किसी ने कहा कि आपकी ना फी कम थी तो इसमें जना आप फ़ी जो थी इसको कम कर दें ताकि डिमांड बढ़ जाए मज़ीद लोग अफोर्ड कर सकें तो वाले साहब ने कहा कि नहीं ऐसा करता हूँ कि आई विल इंक्रीज इट बाय फोर टाइम्स फी और पढ़ा देंगे उन्होंने कहा चार गुना मैं कर देता हूँ और लोग कह रहे हैं कम करें ताकि लोग आ सकें वो कह रहे थे कम करें तो उन्होंने कहा नहीं होता ये कि वंस यू चार्ज अ प्रीमियम ओनली देन द ऑडियंस कंज्यूमर सीज इज ए प्रीमियम प्रोडक्ट ठीक है अगर कोई अच्छी चार गुना बढ़ा दी और जो उन्होंने बढ़ाई तो देंगिंग the <laughs> बड़े मजे की बात है अच्छा उसके बाद फिर यू एम टी नाइनटी सिक्स में स्टार्ट हुआ था नहीं हुआ ये 96 में हमने अप्लाई किया फॉर एनओ तो उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन वॉज द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तो उन्होंने एन दिया लेकिन उसके बाद हमें तकरीबन आठ साल लगे चार्टर लेने में तो 2004 में हमें चार्टर मिला 2002 में हमें इंस्टीट्यूट का चार्टर मिला और 2004 में हमें यूनिवर्सिटी का चार्टर मिला चार्टर का प्रोसेस ये होता है कि पूरी पंजाब असम्बली जो है वो बिल लाती है और वो पास होता है फिर टर्न इन टू एन एक्ट तो वो एक बड़ा प्रोसेस होता है उसमें आपको बड़ी मनोवरिंग करनी पड़ती है हमारे पास जगह भी नहीं थी तो हमने फिर जो जो ए सी रिक्वायरमेंट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता वी स्टार्टेड बाइंग लैंड तो 2002 तक हमारे पास जो एन ओ के लिए रिक्वायरमेंट होती है जौहर टाउन में उस वक्त वो जो जगह थी आप सोचेंगे इट वाज अ लैंडफिल साइट जिधर सारा मोहल्ला जो है वो कूड़ा फेंकता था तो पैसे क्योंकि नहीं थे तो हमने वो जगह जाके खरीद ली <laughs> और आप अब अगर आएंगे तो वो आपको लगेगा कि ये कोई ग्रीन जो है ना पार्क है कोई गोल्फ कोर्स की जगह है अच्छा तो ऐसा फिर रास्ता ऐसा हमने ट्रांसफॉर्म किया तो फिर আস্তে আস্তে बिल्डिंग्स बनी एक बिल्डिंग बनाई वी टूक लोन फ्रॉम वन ऑफ द बैंक्स ऊपर आसा आस्ता चला और इस तरह करके फिर चीज़ें आप तो खैर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपका और क्यू एस रैंकिंग मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है उसकी रैंकिंग भी है और लगता नहीं है कि वो जिस तरह से स्टार्ट हुआ था जिस तरह से आप बता रहे हैं इनिशली कितनी स्ट्रगल देखनी पड़ी थी तो और ये इंस्टीट्यूट यहाँ तक पहुँच जाएगा आपका मतलब अभी पच्चीस हज़ार बच्चे आपको पढ़ रहे आई थिंक वी आर द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एंड वी आर ऑल्सो द टॉप रैंकड एज़ पर द टी एच ई रैंकिंग क्यू एस रैंकिंग्स में भी टॉप फाइव इन एशिया है तो इस तरह करके अलहमदिल्ला आप रहे हैं ज़बरदस्त अच्छा सर मुझे ये बताया ना जिस तरह आपका बैकग्राउंड माशा से आप आपका नहीं आपके पुश्तों का है एजुकेशन के अंदर ना पाकिस्तान को पचहत्तर साल हो गए पाकिस्तान का को कोई बच्चा जाता है बाहर मास्टर्स करने के लिए सम समेसो फील होता है कि जो उसने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में जो चीज़ पढ़ी है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्ट्रगल कर रहा होता है जबकि आपने ऑपोजिट देख लिया कंट्री में इंडिया में आई है वो एक क्वालिटी बन चुका है तो पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं बना सका कोई ऐसा ऐसाटूट जहाँ पे जाके इंटरनेशनल इंटरनेशनलिशन उसकी हो <coughs> मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन हैं एंड दे आर लेट से आईलैंड ऑफ एक्सिलेंस मतलब अगर आप नॉर्थ से शुरू करें तो आपके पास नस्ट है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जी आई के अच्छा है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है लाहौर के अंदर अगर मेडिसिन में देखें किंग एडवर्ड है बहुत अच्छा है लम्ब इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी यू ई टी इज़ good वेरी गुड यूनिवर्सिटी साउथ में आए तो अच्छे इसमें वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं दे आर गुड वहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल भी है लेकिन होता है ना टॉप नॉच पे जाना जिससे आप जिस तरह बाहर एम आई टी कहते होते हैं इंडिया जाना जाता, जाता है आई आई टी जाना जाता है पाकिस्तान में कोई ये नहीं कहते जी आई के तुम ग्रेजुएट हो या तुम लम्ब से ग्रेजुएट हो बहुत कम लोग कहते हैं तो उस तरह का कहाँ पर हमें कोई आ, फेलियर किया या डिसीजन हमने गलत लिया कहाँ पर हम गलत गए हैं देखें एक तो ये कि जो कम्पेटनेस होती है ना कि फ़र्स्ट करें आईआईटी में एक लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड लेट्स से टू थाउजेंड विल गेट इन अच्छा अब मैंने आईआईटी को स्टडी किया है ये आईआईटी भी इज़ अ मिथ आईआईटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहली प्रेफरेंस होती है कि वो लेट्स से कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे फिर उनके होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे फिर होती है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे अच्छा नाइन्टी परसेंट ऑफ पीपल हु एंटर आई आई टी डो नॉट गेट इन टू देर डिजायर डिग्री अब वो क्या पढ़े होते हैं वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़े होते हैं वो क्या पढ़े होते हैं वो और सोशल साइंस की डिग्री पढ़े होते हैं लेकिन उन पर ठप्पा लग जाता है आई आई टी का है। इस पर पूरी जो है ना एक डॉक्यूमेंट्री है वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा वो आप देखें कि जो डिससेटिस्फेक्शन है आई आई टी ग्रेड्स में लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या अब जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना जितना आपका अच्छा फ़िल्टर होगा ना लेट्स जो आपकी छन्नी है ठीक है अगर उसमें इतने बड़े छेद होंगे तो इतनी चीज़ ऊपर रुकेगी बाकी नीचे अगर उसमें इतना सा छेद होगा तो इसके अलावा जो बड़ी चीज़ होगी वो फंस जाएगी बाकी नीचे चली जाएगी अब इंडिया के अंदर आप देखें कि 100 120 करोड़ लोग हैं और उनमें उन्होंने 10 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं और वो हाईली कंपेटिव और हाईली सेलेक्टिव है तो जो क्रीम अलग क्रीम है वो उसमें जाती है हमारा भी जो टॉप ग्रेजुएट है और जो टॉप समझें स्टूडेंट है वो किसी आईआईटी के स्टूडेंट से कम नहीं है और वो दुनिया के अंदर जो लीडिंग जॉब्स हैं आप देखें कि जो मर्सिडीज़ के अंदर वीपी ऑफ इंजीनियरिंग है डेम्बलर बेंस में वो पाकिस्तानी है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत वी पीज़ हैं वो पाकिस्तानी है हमारे अपने स्टूडेंट जो हैं वो टेस्ला में जॉब कर रहे हैं आपके अपने यूनिवर्सिटी जिधर से आप पढ़े हैं दुनिया की हर टॉप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं हेल्थ में देखें हेल्थ केयर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं मतलब आप जिस फील्ड के अंदर आप टेक के अंदर देखें जो पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है और जो अब हमारे पास एक मोमेंटम बन रहा है ये इनशाला इन अ फ्यू इयर्स आप देखेंगे कि वी विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल हब फॉर आईटी एंड मैनी अदर सेक्टर्स तो एक तो ये है कि ऑबियसली बिलीफ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर और घर की मुर्गी दाल ये नहीं होना चाहिए हमारे पास क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे पास बेस्ट ब्रेंस हैं देखें कि मेयर ऑफ लंडन जो है वो पाकिस्तानी औरिजन का है मतलब आप दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज़ को मतलब ऑस्कर अगर हमने ले लिया है ग्रैमी अवार्ड हमें मिल गया है मतलब आप कहीं भी देखें किसी भी टॉप चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक नाइ आपके बाद होगा से, से हूं आपके बाद से ठीक है ये सारे जो बता रहे हैं ना हमारे बड़े टॉप नॉच के बंदे हैं ना जो कि शायद निकल आते हैं सौ में से एक आधा बंदा ऐसे निकल आता होता है ठीक है लेकिन हमने अगर देखना है कि क्वालिटी को हमने गेज करना है हम मैसेज को देखेंगे हमारी मैसेज कहाँ पे खड़ी हुई है अभी भी हमारा एक बच्चा निकलता है बाहर अगर लाख बच्चा निकल रहा है ग्रेजुएट होकर हार्डली जॉब उसको मिल रही है पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन आपका हो रहा है इंडिया में शायद ऐसा नहीं है इंडिया में आप, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए इंडिया के ज़्यादा ग्रेजुएट्स मास्टर्स के लिए इंटेक इंडक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के कम हो रहे हैं तो वो डिफ्रेंस अभी भी है सिर लेकिन आपको पॉइंट देखने कि आप अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आप स्ट्राइट करोगे चीज़ आपसे शेयर कर देखें जॉब्स का आपने ज़िक्र किया जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं जॉब्स के लिए आपको चाहिए होती है इकानमी अगर आपकी इकॉनमी अच्छी करेगी ठीक है अच्छी जाएगी आप पाँच छः सात आठ दस परसेंट पर ग्रो करेंगे तो जो आदमी भी होगा उसको जॉब मिलेगी और अगर आपकी इकॉनमी नेगेटिव वन परसेंट पे श्रिंक करेगी तो जिनको जॉब मिली होगी वो भी फारिग हो जाएंगे तो एक तो ये कि हमें अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन देखने की जरूरत है कि लेट से लास्ट फाइव सेवन इयर्स ये इकोनॉमिकली हमने कैसा किया है जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे हमेशा आपको पता है कि एक ट्रेड डेफिसिट का हमें इशू रहता है डॉलर साठ रुपए का था आज जो है वो तीन सौ रुपये का हो गया है तो इसके अलावा ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बहुत इस तरह के इश्यूज हैं अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशनस हैं ठीक है ये मैस क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करी तो उसकी मल्टीपल हैं एक इकॉनमी होगी नंबर टू मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इट इज़ द स्कूलिंग सिस्टम अब आप देखें कि स्कूलिंग सिस्टम जो है वो सारा रटा बेस्ड है वो अगर कोई आदमी अपनी समझ से डेफिनेशन लिखे बुक से समझ के कॉपी पे, उसको वो कहते हैं कि आप वो लिखें जो कि बुक में लिखी है एज इज़ हर वर्ड भी एक भी आगे से पीछे ना हो तो उसके अलावा होता ये कि जो टीचर्स हैं हमारे आम स्कूलों में दे आर नॉट वेरी वेल पेड और जो एजुकेशन है वो ऐसा प्रोफेशन बन गए अगर किसी से पूछेंगे कि टॉप टेन पिक्स हैं तो वो प्रॉब्ली उसकी एलेवेंथ पिक होगी तो एक ये भी इशू है तो हमें एक मैस लेवल पे रिवॉल्यूशन uh, चाहिए जिसमें हमें करिकुलम को भी फिक्स करना है हमने अपनी इकॉनमी को भी फिक्स करनी है एटीट्यूड्स भी फिक्स करने हैं और फिर जाके जो है वो एक समझे आप कह सकते हैं कि सारा जो पीसेस ऑफ द पजल जब जुड़ेंगे तो तभी जो है वो रिजल्ट हमें मिलेगा रेट मेक सेंस अच्छा आपने मेंशन किया करिकुलम को ना पिछले दिनों तो गवर्नमेंट में बात चली थी सिंगल करिकुलम के ऊपर ना तो उस पर कुछ लोग उसके फेवर में आए कुछ लोग अगेंस्ट गए तो हाउ डू यू थिंक या आपके साथ देखते हैं इसको कि सिंगल करिकुलम होने से क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या पे जो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि क्लास डिफरेंस खत्म करेगा आपकी इन so योर वो ठीक था um, देखें क्लास डिफरेंस खत्म करेगा क्लासेस पाकिस्तान में कौन है एक है एलीट ठीक है जो कि एच एस जाती है आ, वो बाकी आपके जो कैडेट कॉलेज हैं उधर जाती है बोर्डिंग स्कूल्स हैं लॉरेंस कॉलेज है सादिक पब्लिक है यहाँ से आते हैं ये बने ही पाकिस्तान में हुक्रानी करने के लिए अब दूसरी आपकी आम सारी आवाम है ठीक है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रही है और तीसरी वो है जो कि स्कूलों में ही नहीं है गाँव में है उनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता बाकी पढ़ने लिखने तो दूर की बात है और चौथा एक और आपका पहला पाकिस्तान चल रहा है वो ये वो लोग हैं जो कि आपके खवतानी हैं ठीक है वो भी बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं और उनकी वो इन्वॉलमेंट और पार्टिसपेशन नहीं है जो इकॉनमी में जो कि होनी चाहिए अब ओबियसली जो हमारी डाइवर्सिटी है लिंग्विस्टिक समझें हर साठ सत्तर किलोमीटर बाद एक नई जबान है सूबों के अंदर ओबियसली वो एक जैसे इन्वामेंट नहीं है कल्चर नहीं है वैल्यूज़ नहीं है ट्रेडिशन नहीं है फिर आपका अर्बन और रूरल बहुत ज़्यादा डिवाइड है मतलब फ़र्ज़ करें आप सरगोदा जाए इस्लामाबाद जाएँ बहुत फ़र्क है ठीक है आप किसी सरगोदा के गांव जाएँ सरगोदा है फ़र्क है इस्लामाबाद में आप किसी पिंड चले जाएँ बस्ती में चले जाएँ उधर अलग होगा शहर का अलग है तो ये तो इसमें वैसे ही इम्पॉसिबल है टू क्रिएट वन नेशन और दुनिया में ये कहीं नहीं होता आप यू एस में देख लें यू के में देख लें उधर भी ग्रामर स्कूल्स हैं चाइना के अंदर भी दुनिया के अंदर स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं तो ये एक यूटोपियन आइडिया है इसमें आप कर ये सकते हैं कि आप एक बेस लाइन सेट कर सकते हैं कि लेट से ट्वेंटी थर्टी परसेंट हम सबको कॉमन पढ़ाएंगे क्योंकि आप ये कहें कि हम एक करिकलम पढ़ाएंगे और आप मियाँ चन्नू के अंदर वो टीचर नहीं दे सकते जो कि आप कराची में दे सकते हैं और कराची वाला टीचर जो है वो लेट से जेलम में नहीं आपको मिल सकता तो ये एक एग्जांपल किसी ने दी थी आपने भी शायद सुनी हो कि वो वो टीचर थी क्लास में वो पढ़ा रही थी उसने कहा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल और सी फॉर सप तो किसी बच्चे ने कहा कि ये आप सी फॉर सप कह रही हैं सी फॉर कप होता है तो उसने कहा कि बेटा ये बारह हज़ार में सी फॉर सप ही आता है <laughs> तो टीचर्स का भी एक ओबियसली आपका लेवल है कि उनको ख़ुद जब ना पता हो और जो आ, उनकी अपनी एजुकेशन है आप हमारे पास देखें सिक्सटी फाइव परसेंट यूथ है ठीक है तो ढाई करोड़ लोग स्कूल से बाहर हैं और अगर आपने छः से आठ करोड़ लोगों को पढ़ाना है तो उसके लिए अगर आप वन रेशो ट्वेंटी करें ठीक है तो आपको एक करोड़ आ, बीस लाख एक लाख बीस हज़ार आपको कम से कम इस चाहिए टीचर्स चाहिए तो उनकी ट्रेनिंग करनी उनकी ग्रूमिंग करनी वो एक आ, लेट से मोल्ड से नहीं निकल सकते तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई हो भी सकता है कुछ ना कुछ और मेजॉरिटी आप ये इट इज़ नॉट रियलिस्टिक आप नहीं भी कर सकते लेकिन कुछ ना कुछ आप बेस लाइन सेट करें जो डिफरेंस जो डिफरेंस आता है आप लम्ब्स की बात कर लो लम्स में अगर कोई बंदा एचिस से या फिर लेवल करके आ रहा है रूट्स वगैरह से और दूसरा बंदा किसी बस्ती मलक से आ रहा है ठीक है क्योंकि वो टॉपर तक पहुँच गया वहाँ पर जाके उसको टाइम लगता है एक दो साल एडजस्ट होते हुए ना करिकुलम हालांकि डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती है उन्होंने ना वो अप्रोच एनिटिकल अप्रोच क्योंकि वो चीज़ें तो कॉमन की जा सकती हैं ना एग्जाम सेम हो जाए आपका करिकुलम सेम हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन आपके बात भी ठीक है कि मिनिमम की तरफ आप मूव करें एटलीस्ट स्टार्ट यहाँ से ले फिर बाद में जाके चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ये भी होता है कि इसमें सबसे बड़ा जो होता है ना वो लोगों को मिलता है कल्चर शॉक अब जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था दानिश स्कूल्स का उसमें उन्होंने किया ये कि जो गरीब लोग थे और जो मेरिट वाले थे उनको एक अपारथ टाइप निज़ाम के अंदर उनको कहा कि आप गरीब हैं लेकिन पढ़ाई में आप अच्छे हैं तो आपके लिए हम अलग स्कूल बनाएंगे अब सबसे बड़ी जो चीज़ है वो नॉलेज के साथ होता है आपका एटीट्यूड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ अच्छा अगर स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो ठीक है उसको ये रियलाइजेशन ना हो कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही या मैं किसी से कमतर नहीं हूँ फर्स्ट करें जो स्टूडेंट एच में जाता है जो रूट्स में जाता है उसको तो पहले ही पता है कि ये पाकिस्तान मेरी मलकियत है और मेरे बाप का भी पाकिस्तान था मेरे दादा ने भी इस पर हुकूमत राज किया वी ओन द कंट्री और हमने भी आगे जाके वो बचपन से ही so वो दस ना। साल बारह साल की उम्र में वो जाके पुलिस वार्डन को भी मार देंगे वो किसी को कुछ नहीं समझते वो अपने टीचर्स को भी कुछ नहीं समझते उनको होता है कि हमारे पास पैसा है हमारे पास ताकत है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये कि आम आदमी के अंदर ये बिलीफ हो और ये माइंड सेट हो ये यकीन हो कि मैं इस मुल्क में जो मर्ज़ी चाहे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ तो खुशी का दिन हमारे लिए वो होगा कि जिस दिन आम आदमी जो है वो एच एस एन में पढ़े एच में जो लोग इन पावर है या जिनके पास पैसा है वो ना पढ़ें हमारे जितने इंस्टीट्यूशन हैं पाकिस्तान है। के वो मेरिट की बेस पे एडमिशन लें और मेरिट भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हार्वर्ड है या आई वी लीग बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वो ये नहीं देखते कि अगर दो बच्चे हैं उनके पास नाइन्टी परसेंट है तो अगर एक जो है वो किसी थर्ड टीयर सिटी से है और वो एक चिल्ड्रन ऑफ अ सिंगल पेरेंट था ठीक है और दूसरा जो है वो बड़ा ही महंगे प्राइवेट स्कूल से और चार महंगे ट्यूटर लगा के नाइन्टी परसेंट लिया है तो वो इस बच्चे को प्रेफर करते हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने जो आम बच्चा है ये अगर नाइन्टीन ही इसने सेवेंटी भी लिया है तो ये नाइन्टी से ज़्यादा इसके नंबर हैं तो हमने उनकी जो देखनी है वो देखनी कि एजुकेशनल जर्नी तो ये इस पर मेरे ख्याल से फोकस करने की जरूरत है वेल वेल सेड क्योंकि बाकी आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल होती है पर्सनैलिटी होती है आपकी एजुकेशन के साथ किस इन्वायरमेंट से पढ़ के आप आई बड़ा मैटर करता होता है अब एक और मैं उस दिन फैक्ट ये देख रहा था कि जो ओ एवल्स के स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ शायद बारह या पंद्रह हज़ार हैं और सिर्फ लाहौर बोर्ड में जो लोग इंटर क्लियर करते हैं वो ढाई लाख हैं तो आप और जितनी आपकी जो इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर नाइन्टी परसेंट प्लस नाइन्टी नाइन परसेंट स्टूडेंट्स इन ओ ए लेवल स्कूल से आ रहे हैं और वन परसेंट या मैक्सिमम फाइव परसेंट आम इंटरमीडिएट सिस्टम से या आम कॉलेज से आ रहे हैं तो ये भी देखें कि एक पूरा आपके जो इलीट कैप्चर है आम आदमी को जो मौका नहीं दिया जाता ये स्टार्ट जो होता है वो स्कूल से होता है और अगर समझे हम ये ठीक करेंगे तो आगे हमारी यूनिवर्सिटीज़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है वो पूरा सिस्टम ठीक होगा अच्छा आपने मेंशन किया था कि आप अगर आपका एक करोड़ बीस लाख बच्चा बाहर है उसकी रेशो से एक लाख बीस हज़ार उस आपको चाहिए ना ट्रेनिंग करनी है वसाइल चाहिए होंगे तो बड़ी एक थॉट चलती है डिस्कशन चलती है कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक इनफ स्पेंड कर रहा है बजट एजुकेशन के बजट के ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि नई और बजट चाहिए ताकि हमें एक्सपेंड कर पाए तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस आ, देखें जो मुल्क जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने अपने इंसानों को डेवलप किया ठीक है जैसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देख लें कि हम किधर हैं हंड्रेड रैंक है या क्या है तो हमारा जो फोकस है बदकिस्मती से ये होता है कि हम बस चलाएं हम ट्रेन चलाएं हम मोटरवे बनाएं लेकिन वो जो आसपास लोग रहते हैं वो ही रहें और वो जब सड़क देखें मोटरवे देखें बस देखें ट्रेन देखें तो वो कहें कि वाह मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है तो ये जो माइंडसेट है ये रूलर्स में भी है और ये जो आम आदमी जो रूल हो रहा है हाँ। उसमें भी है एक और मुझे किसी ने वाकया बताया कि सिंध में एक आदमी था उसने जो है अपने हल्के के साथ वाले हल्के में एक स्कूल बना दिया तो वो जो साथ वाले हल्के का एम था वो गया एम के पास उसने कहा कि मेरे साथ बड़ी साजिश हो गई है और मेरे हल्के में उस आदमी ने स्कूल बनवा दिया है तो उसने एम ने कहा कि अब इसका सबसे बेहतरीन बदला ये होगा कि हम इसके हल्के में भी स्कूल बना देते हैं <laughs> क्योंकि जब उनको तालीम मिलेगी तो उनमें शौर, शौर, शौर आएगा और शूर आएगा।, आएगा तो वो सही फ़ैसले करेंगे तो ये जो एक आप हिस्टोरिक देखते हैं नाइन्टीन फोर्टी सेवन से जो चलता आ रहा है सिस्टम वो है ये कि आम आदमी को इलिटरेट रखा जाए ये ढाई करोड़ जो हैं ये ढाई करोड़ स्कूल गोइंग जो किड्स हैं ये वो इस तरह नहीं देखते वो ये देखते हैं कि ये ढाई करोड़ डेड लिविंग क्रीचर्स हैं जो हमारे पोटेंशल या करंट वोटर्स बनते हैं तो और उनको जितना आसान है मैनिपुलेट करना या लेट से अपनी तरफ माइल करना वो उनको चाहिए कि जितना उन, उनको इस तरह के लोग चाहिए कि जितने आसानी से वो मैनिपुलेट हो जाए मतलब उनकी ये ख्वाहिश है तो इस सिस्टम में हमें एक रेवोल्यूशन चाहिए और वो एजुकेशनल रेवोल्यूशन चाहिए क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करते हैं वो आप जिस मर्ज़ी फील्ड में कर दें उसका वो डिविडेंड नहीं मिल सकता मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज करें एक आदमी था जिसके वालद ने एक इलेक्ट्रिशन की जॉब की और उसकी आमदन महाना तीस से पैंतीस हज़ार है एंड ही लेट से फिफ़्टी फाइव और सिक्सटी अच्छा उसका बेटा है जो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेता है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी फ़र्स्ट करें कैद आज यूनिवर्सिटी से पढ़ लेता है अच्छा उसकी जो पहली जॉब होगी वो आप यकीन करें मिनिमम थर्टी फाइव टू लेट से फोर्टी थाउजेंड होगी इफ़ ही गेट्स पेड वेल फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड अगर वो टेक के अंदर चला जाए तो एक लाख की उसको स्टार्टिंग लग सकती है पाँच साल में इधर वे उसकी एक सवा लाख डेढ़ लाख सैलरी होनी चाहिए अच्छा अब उसका जो वालद था उसने आप ए, ले लेंगे पंद्रह साल की उम्र में काम शुरू किया एज अ छोटो पंद्रह साल से पचपन साल चालीस साल उसने काम किया और उसकी आमदन हुई तीस पैंतीस हज़ार और उसका बेटा पाँच साल में डेढ़ लाख पर पहुंच गया तो आप देखेंगे पूरी एक जनरेशन चेंज होगी एक और जो फैक्ट मैं कोट करता हूं कि अगर आपके पास दो लोग हैं जो कि गरीब तरीन पच्चीस फ़ीसद से ताल्लुक़ रखते हैं एक के पास यूनिवर्सिटी डिग्री है और दूसरे के पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है जिसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है इसका फोटी परसेंट चांस है कि ये अमीर तरीन पच्चीस फ़ीसद में शामिल हो जाएगा और जिसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है इसका सिर्फ एक फ़ीसद चांस है तो आप ये देखें कि हायर एजुकेशन जो है एन एजुकेशन ओवरऑल इज़ ए गेम चेंजर इन सोसाइटी और बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ 20 लाख लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अच्छा इसमें फिर आपको क्या लगता है हमने गलती कहाँ पे की है इतना मतलब आपका ढाई करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है हर साल बजट भी आता है एजुकेशन पर रखते भी होते हैं पचहत्तर साल हो गए हैं आपका ये हो कि पॉपुलेशन आपकी लिटरेसी बढ़ रही हो इतनी प्रोमिनेंट नहीं बढ़ रही है आपकी हर साल दो परसेंट तीन परसेंट बढ़ती है और जो बढ़ भी रही है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि आपका जो मैट्रिक जिसने बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ है उसकी जो स्टैंडर्ड चार चार चौथी पाँचवें क्लास के बराबर है वो क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं तो गलती कहाँ पर हो रही है हम जो रूलर पार्ट हो कैसे लेके आ सकते हैं एजुकेशन के अंदर देखें एक तो ऑब्वियसली ये कि हमें पॉलिसी परस्पेक्टिव देखें हमें अपनी ऑबियसली जो फंडिंग है ठीक है रिसोर्स एलोकेशन करनी पड़ेगी लोगों को डेवलप करना है फिर आपने अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं फिर आप ओबियसली देखें कि पाकिस्तान है अब एक डाइवर्सिफाइड मुल्क है नंबर टू ये है कि प्रोवेंसेज़ जो हैं वो एटीन अमेंडमेंट के बाद अटोनोमस हैं मतलब वो अपने फ़ैसले इन अ वे कर सकते हैं एजुकेशन uh, जो है वो एक uh, सूबे के लेवल पे डिवॉल्व हो चुके हैं तो फेडरल गवर्नमेंट कैन ओनली डू ऑबियसली कुछ लिमिट uh, तक काम कर सकते हैं लेकिन जो प्रोविंसेस हैं इनको चाहिए कि ये अपनी जो एलोकेशन है रिसोर्स की नंबर वन टीचर्स ट्रेनिंग है वो करें उसके इंस्टीट्यूशंस बनाएं नंबर टू जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं आप देखते हैं कि स्कूलों के अंदर गए वैसे बंदी होती हैं ठीक है ठीके? और फिर वो स्कूल टीचर भी सबसे ज़्यादा पोलिटिसज जो है वो पोजीशन है क्योंकि ये इनके बनते हैं पोलिंग एजेंट्स आर वगैरह इनको बनाते हैं इलेक्शन में तो उससे वो मैनिपुलेशन होती है क्योंकि जो पोलिंग बूथ्स हैं वो सारे स्कूल्स में सेटअप होते हैं पूरी एक जो समझे कि एजुकेशन को उन्होंने फॉर ग्रांटेड जो लिया हुआ है और उसको मिस यूज़ करते हैं ये नहीं करना चाहिए एक एजेंडा सेट करें उसमें लोगों को डेवलप करें इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें और फंड करें और एक्सटेंसिवली फ़ंड करें मतलब ओवर फंड करें जो एक दो अरब रुपए के अंडर पास बना देते हैं फ्लाई ओवर बना देते हैं आठ आठ दस दस अरब रुपए के इसकी जगह लोगों में इन्वेस्ट करें उनको डेवलप करें उनको पढ़ना लिखना सिखाएं, वो आके जॉब्स क्रिएट uh, करें वो अपने आप को uh, ज़िंदगी गुजारने हाँ, के लिए तैयार सेम कॉन्टेक्स्ट जो आपने बात की कि लोगों को डेवलप करें मैं कहीं पढ़ रहा था कि पंजाब में जो ओरिजिनल ट्रेन हुआ है इसकी 20 साल के लिए हर साल एक

है। नहीं ये आप के पंजाब गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिखी हुई है कि अगले साल तक एक, पे हम डाइस रहे अरब ए, एक साल की है तो मतलब अस्सी अरब दस साल में और हाँ वही नंबर आ रहे हैं लेकिन साल की आठ अरब है। नहीं वो साल की थी थी परेशान थी। है, है। हो गया है मैंने वो सिक्स बिलियन डॉलर का ये जी तो उस टाइम पे आप समझते हैं क्योंकि बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कुछ तो ठीक है मसले आ रहे थे आपके ट्रांसपोर्ट के ट्रैफिक कंजेशन के लेकिन एट द द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड हैव इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सेक्टर देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सड़कों सड़कों पर उतनी ट्रैफिक ना हो ठीक है जो कि आप कंट्रोल ना कर सकें फिर आप जो फ्यूल इम्पोर्ट कर रहे हैं ठीक है वो उतना ना हो जो कि आप अफोर्ड ही ना कर सकें फिर जो आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं आप इमिशन जो क्रिएट कर रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड वो ना उतना हो जो कि सस्टेनेबल ना हो तो अगर आप देखें कि एक गाड़ी दे, 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 है ग्यारह फट की लंबी उसमें एक आदमी बैठा है, है। दस गाड़ियाँ एक सौ दस फिट गाड़ी की आपकी सड़क ने सड़क पे ऑक्यूपाई कर लिया और उसकी जगह एक बस है बारह मीटर की छत्तीस फिट उसकी लेंथ है और उसमें साठ लोग बैठे हैं तो साठ लोग बैठे हैं छत्तीस फीट में और 110 फीट पे बैठे हैं 10-15 लोग तो इसमें आपका ओबियसली बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँच रहे हैं आप इनफिशेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो सड़क सड़क भी आपको ज़्यादा बनानी पड़ेगी फिर तो ये एक बहुत ज़्यादा विशेष साइकिल है I दुनिया totally... में जो भी बड़े एडवांस कंट्रीज हैं आप देखें कि इवन द मेयर ऑफ द सिटी ट्रेवल्स इन द मेट्रो या उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होती है दिल्ली में देख लें टोक्यो में देख लें शंघाई में मुंबई में लंदन में तो न्यूयॉर्क के अंदर तो ये एक बेस है कि देखें आपके आम आदमी हैं जो कि लेट से मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है ठीक है ना वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है ना उसकी पार्किंग ना मेंटेनेंस तो उसको आपने एक ऐसी रिस्पेक्टेबल स्टेट ने सवारी प्रोवाइड करनी है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सके अच्छा लेकिन जो आपने बात एग्जांपल लंदन की एग्जांपल दी है सिंगापुर की दी है वहाँ पे पहले प्रेफरेंस आपकी एजुकेशन के ऊपर था एजुकेशन उन्होंने अपनी उठा ली तब जाके उन्होंने इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया हुआ है तो पाकिस्तान में हम नीड देखनी है ना मैं डिसएग्री नहीं कर रहा ठीक है अच्छा स्टेप है आपका इमिशन भी रोक रहा है ओजोन की डिप्रिशन को भी रोक रहा है आपकी ट्रैफिक भी हटा रहा है लेकिन एट द सेम टाइम आपका बीस मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है ये नंबर भी आपके फ्लड से पहले उधर कोई पूछ नहीं रहा आपके सदन पंजाब के अंदर जाके भैंसें बंदी हुई वहाँ पे कोई जा नहीं रहा उसको जाना लाना इंपॉर्टेंट था या फिर ये मेट्रो बनाना अब सुनने में आया था कि आ, दिसंबर के अंदर कोई ब्लू लाइन मेट्रो भी बनने जा रही है एशियन बैंक डेवलपमेंट ठीक है दो परसेंट पर रहे हैं आपको लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट कहां से पूरी करोगे तो वो फ्रॉम योर क्योंकि आप अब गवर्नमेंट का पार्ट है आप उसको देख रहे होते तो है, तो डिस्कशन होती उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखिए इसमें ना एक तो ये क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म सोचते, सोचते हाँ, हैं एक तो ये कि हमें ना बिग वाइट एलिफेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए ठीक है कि जो फैक्टर क्रिएट करें हमें वो पब्लिक पॉलिसी चाहिए हमें वो इंटरवेंशन चाहिए जो कि आम आदमी की जिंदगी इम्प्रूव करें जिस दिन हमारे पॉलिटिशन्स ने ये फैसले करने शुरू कर दिए कि वो बेनिफिट एंड जो लेट से यूज़र है सिटीज़न है उसको क्या मिल रहा है या वो देखें कि लेट से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि पोलिटिकली उनको कोई गेंद दें या वोटर बेस बढ़ाएँ या उनकी रेपूटेशन में कोई इजाफा करें तो ये एक बहुत बड़ा समझें कैश ट्वेंटी टू सिचुएशन है उनके लिए तो अगर फ़र्ज़ करें हमें ऐसे लोग मिले जो कि ऐसी समझें कि अपनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे फोकस करें जो कि सिटीजन सेंट्रिक हो जो कि मुल्क ए, में क्या बेहतरी आ सकती है उसके ऊपर देखें आप देखें कि हम आ, पिछले हफ्ते चाइना थे और चाइना जो है उसने जो लॉन्ग टर्म बाकी मुल्कों के प्लान्स हैं जैसे यूएई ने बनाया ट्वेंटी सेवेंटी वन का प्लान मतलब उन्होंने अपना हंड्रेड ईयर प्लान बनाया बाकी मुल्क हैं उन्होंने अपने जैसे सऊदी है उन्होंने ट्वेंटी थर्टी प्लान बनाया था अपना तो दूसरे जो मुल्क हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं हम जो हैं वो इधर अगले दिन का प्लान नहीं करते और कहते यही हैं कि दो जू फेल टू प्लान प्लान टू फेल तो हमारी जो है वो बहुत हैप हैज डिसीजन मेकिंग है कि ये कर दो अगले इलेक्शन का सोचो ठीक है अगले दिन का आ, क्या फौरी क्या हो सकता है मतलब आप देखें कि पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो सूरेज का है कि लाहौर के अंदर एक सर्वे हुआ सिक्सटी परसेंट जो टैप वाटर है उसमें सूरेज वाटर मिक्सड है तो लेकिन सोरेज नहीं बनता उसकी रीज़न ये है कि वो दिखाई नहीं देगा वो सड़क के नीचे होता है और ये है कि उसमें टाइम लगता है तो जो भी आदमी आता है वो कहता है कि मैं सड़क बना दूँ वो फौरी बन जाएगी तो इसका सलूशन क्या है हम कैसे कैसे इस विशेष साइकिल से बाहर निकल सकते हैं ना क्योंकि आवाम को आप एजुकेशन दोगे तब जाके जो मेरा पर्सपेक्टिव है डिमांड एंड सप्लाई होती है आवाम पढ़ी लिखी होगी तो वो सड़कें नहीं मांगेगी वो स्कूल मांगेगी तो फिर पॉलिटिशियन भी आपका वही काम कर रहा होगा तो कैसे बाहर निकल सकते हैं देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका एक तो ये कि आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी Uh, की तरफ करंट मतलब शॉर्ट टर्म मैं कहता हूँ कि जितने लोग हैं जो कि पार के अंदर हैं या पार के अंदर रहे हैं या फ्यूचर में आएंगे इन पब्लिक ऑफिसर्स इनको चाहिए कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ फोकस करें कि अपने आप को देखें और उनको पता हो कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है और ज़मीर का अपने सौदा ना करें और नंबर टू जो आवाम है उसके अंदर भी शूर आए कि वो ये जो ड्रीम सेलर्स हैं इनकी बातों में ना आए क्योंकि जितने भी ज़्यादातर पॉलिटिशन मैंने देखे हैं वो सब ड्रीम सेलर्स हैं वो कहते हैं कि मैं ये कर दूँगा वो ये आ जाएगा और इतने ये हो जाएगा और फिर ये होगा और फलाना नमकाना और आवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनती आई है पिछले पचहत्तर पिछ सालों में कि जो भी आया है उसने सिर्फ अपना माँ बेचा है अपना सौदा बेचा है और आवाम को एंड में डिलीवर कुछ हद तक हर किसी ने कुछ ना कुछ किया है टेन ट्वेंटी परसेंट सब ठीक होते लेकिन है। ये कि मतलब आ, आ, वो उस तरह ऑनेस्ट ऑनेस्टी honest, के साथ फेयरनेस के साथ या समझें कि वो उनमें विजन नहीं था या एग्जीक्यूशन की एबिलिटी नहीं थी या टीम नहीं थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सके तो ये है कि आवाम के साथ जो ये रूलिंग एलिड खेल कर रही है ये भी छोड़ें और के अंदर भी शूर आए कि वो जितने लोग हैं जो कि जिनसे उनका तजुर्बा हो चुका है उन सबको रिजेक्ट करें इंडिया हम की एग्जांपल लेते हैं वो भी हमारी तरह के लोग हैं करप्ट लोग हैं इमोशनल लोग हैं शॉर्ट टर्म में सोचते होते हैं लेकिन स्टिल उनकी कुछ चीज़ें जो कि बड़ी अच्छी हैं अगेन आईआईटी फ़ॉन पॉलिसी इकॉनमी जो मर्जी उनका चेंज हो जाए उनकी जो पॉलिटिक्स है ना रीजनल लेवल पर रहती है वो इंटरनेशनल पर नहीं आ रही होती तो पाकिस्तान में हम क्यों नहीं मूव करते होते हैं? हम अपने इदारों को इंडिपेंडेंट करते हैं। आप कोई भी इदारा उठा दें जो इंडिपेंडेंट है कितना अच्छा वो काम करता होता है डालें उसको गर्मी के नीचे जाके आपका पे एन तक भी ना वो अफसर लगा होता है जाए ना बंदा कोई यार मैं यहाँ का बादशाह हूँ आज तो वो तो हम क्यों नहीं मूव करतेदारों को प्राइवेटाइज कर दें यहाँ पर इंडिपेंडेंट कर दें डिस सोल्यूशन देखिए इसमें ये ना कि जब तक आपके इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल होंगे वही मैं कह रहा वो, न, वो ने खत्म करें तब ना आप डिपेंडेंट खत्म तक आप, खत्म करें। आप जो है वो पीएनबी अपने हल्के से भर्ती करेंगे आपका पचास अगर एप्लीकेशन आएंगे आप देखेंगे कि मेरे हल्के में कौन है कि मैं उसको भर्ती करूँ ताकि उसके पूरे ख़ानदान का और मोहल्ले का वोट मुझे पड़े वो मेरा एजेंट बन जाए तो आप ये देखें कि मैं एक डिपार्टमेंट को जब हेड कर रहा था तो उसमें सिर्फ पाँच हज़ार गोस्ट एम्प्लॉज थे तो इस तरह की भर्तियाँ जब हों बेदर्दी के साथ जिसमें ये कि ये ना देखा जाए कि गवर्नमेंट एक्सचेकर है उस पर क्या बर्डन आ रहा है और पोलिटिकल गेन कहाँ से हो रहा है तो ऑबली एटीट्यूड सेट करने की ज़रूरत है नंबर टू ये है कि जितने ये इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट का काम ही नहीं बिज़नेस करे गवर्नमेंट क्यों एयरलाइन चलाती है ठीक है गवर्नमेंट क्यों जो है वो बैंक रन कर रही है फ़र्ज़ करें तो जो काम गवर्नमेंट को नहीं करना हमारी गवर्नमेंट वही काम कर रही होती है तो ये जितने इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं इनको प्राइवेटाइज करें इनकी मैनेजमेंट आउटसोर्स करें ये बहुत इसेंशल है और फिर ये पोलिटिकल डिसीजन है अब आप देखें ना कि अगर आप एक इदारे को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं उसमें दस हज़ार बंदा है और पाँच हज़ार आपने ख़ुद भर्ती किया हुआ है तो आप उसको क्यों प्राइवेटाइज़ करेंगे आप लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं तो ये जब तक मेरिट पे और फेयरनेस और ऑनेस्टी के साथ एंड लेट्स से कीपिंग पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट जो है इसको आप सुप्रीम नहीं रखेंगे आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे ये तो हर तरफ माफिया बैठा हुआ है ना आप उठाओ जाके रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाना है वो प्रोटेस्ट पे पर देता है पेट्रोल के पेट्रोल माल जो है पेट्रोल पम्प के मालकान वो उनकी लेविल नहीं बढ़ रही वो आप जब प्रोटेस्ट आप निकल इनको नहीं कर ब्लेम कर सकते देखिए अगर आप डिसीजन मेकर हैं आपके पास आपके हाथ में कलम है ठीक है उसकी पार है आप साइन करेंगे तो उससे डिसीजन हो जाएगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा बात यही है कि जो कौमे है ना वो रिश्ता नहीं बनती है बात ये आपने टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं ठीक है जब आप टफ डिसीजंस नहीं लेंगे और आप पॉलिटिकली हाइजेक लेंगे रहेंगे तो मुल्क तरक्की कभी नहीं करेगा अच्छा सिंस यू द मिनिस्टर ऑफ माइनिंग और पंजाब में आपकी जो खेड़ा है वहाँ पे पिंक सॉल्ट वग़ैरह काफ़ी बल्कि ओनली प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है Uh, मैं पढ़ रहा था कि टोटल आपके इंडस्ट्री जो है ना बारह बिलियन डॉलर की है इंटरनेशनली और पाकिस्तान सिर्फ तकरीबन सत्तर मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसकी क्या रीज़न है कि हम उसको एक्सपेंड क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर आप रेजरवारी की बात करो तकरीबन आपके बयासी मिलियन टन से लेकर छह सौ मिलियन टन तक पड़ा हुआ आपका साल्ट पड़ा हुआ है जो अगले सौ साल तक इनफ है बेचने के लिए बाहर और हम बेच भी रहे हैं हम क्या बेच रहे हैं राह प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकी कंट्री वाले उसी साल्ट को उठा के फिनिश गुड बना रहे हैं और

थर्टी डॉलर्स का बिक रहा है तो एक जगह नौ हज़ार रुपये का किलो बिक रहे है और हम यहाँ से तीन हज़ार रुपये का टन बेच रहे हैं बिल्कुल तो आप ये देखें कि एक ही जगह कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर है तो एक जगह ही आपका जो एक डिपॉजिट है जिसका किसी ने जिंदगी में नाम भी नहीं सुना वही बिलियन एंड बिलियज एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी एसेट साइज़ है तो हमने इसमें एक काम ये नहीं किया कि हमने अब रजिस्टर नहीं कराया हुआ एक जीआई प्रोटोकॉल होता है उसमें आप अपने एसेट्स नेशनल एसेट्स को रजिस्टर कराते हैं तो हिमालयन पिंक सॉल्ट को हमें हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा है कि फौरी इसको रजिस्टर करें अपने साथ ताकि हमारा ब्रांड बन जाइए और कोई और मुल्क इसको जिस तरह अभी काफ़ी इंडियन जो है, वो हैं वो वाया दुबई पाकिस्तानी सॉल्ट परचेज़ करते हैं और मेड इन इंडिया करके उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी और जिस तरह एक और मैं आपको बताऊं कि दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है डिटाइजेशन की तरफ जा रही है उसके लिए आपको केबलिंग चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत डिमांड आ रही है और इसकी जो मेन एलिमेंट इसमें आपको चाहिए वो कॉपर है और अगले तीन से चार साल में पाकिस्तान जो है विल बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर तो ये आप देखें कि उसमें भी हमारा टेन्स एंड टेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ़ डॉलर्स का एसेट है सॉल्ट के अंदर वी हैव द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट हमारे पास इधर गोल्ड है हम प्लेसर गोल्ड की चार ब्लॉक्स ऑक्शन कर रहे हैं वेरी सोन नियर अटक इधर हमारे पास बॉक्साइट है जिससे एल्यूमिनम बनता है हमारे पास इधर लो मिट्टी तो तो पाकिस्तान के no देख लें लेकिन बात क्या होती है हमारी इंटेंशन होती है कि हम उसको फायदा उठाएं लेकिन ऐसी शॉर्ट टर्म में या ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि पॉलिसी बना रहे होते हैं जो कि बेड़ा गर्क कर जाते होते है। हैं उसके एग्जांपल सामने पता नहीं कितने अरब डॉलर हमने वापस जाके कोर्ट में फाइन हो गया था फिर हमने तल्ले तुल्ले करके माफ़ करवाए हमने वो तो सेम विद द तो वो कैसे कर सकते हैं मतलब चीज़ें दूसरी बात आपने कि कॉमर्स से रजिस्टर करे तो उसका इम्पेक्ट क्या आने वाला है आ, देखें इसमें तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो फिर वही बात आती है कि जब पर्सनल इंटरेस्ट सुप्रीम हो तो नेशनल इंटरेस्ट नहीं रहता तो वो जो माइन्स हैं उसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इस तरह करेंगे अपने रिश्तेदारों को दें ठीक है या अपने जानने वालों को दें तो ऑब्वियसली ऐसे ही फिर सिचुएशन में पाकिस्तान आएगा जिसमें हमें अरबों डॉलर के जो है वो नुकसान पर प्रोसेस बनाए ना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाए मतलब आप लोग पावर के अंदर हैं को कोई भी जो मेट पर उतरता है उसको आप दें यही होना चाहिए आइडियली ये तो मैं आपको पिछली बता मतलब, रहा हूं। मतलब चलें वो तो उसको चलें लिए इसको केयर इसको, इसको, इसको हैं, है। हैं तो, के नहीं, नहीं, नहीं के हमारा जो सेटअप है मैं आपको बताऊँ कि पिछले पंजाब गवर्नमेंट के अंदर चालीस पैंतालीस वज़रा होते थे पूरी एक फौज होती थी हमारे सिर्फ आठ वज़रा हैं ठीक है वी आर एट मिनिस्टर्स एंड टू एडवाइजर्स और हम जो है वो इक्वल एंड टू फोटी का काम का कर रहे हैं उसमें एक जो मेन बात है मैं आपको बताऊं, वो ये है कि किसी का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, नहीं है पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है वी आर ऑल टेक्नोक्रेट्स वी आर ऑल प्रोफेशनल्स और हमारा मेन फोकस ये है कि पब्लिक सर्विस डिवरी इम्प्रूव हो हाँ। और हम इस मुख्तसर मदत में कुछ ऐसे काम करें जिससे आने वाले वक्त में भी लोगों को फ़ायदा हो और आप जो है शायद यकीन ना करें कि हम दो हफ्ते पहले मुल्तान के विजिट पे गए और रात हमारी दो बजे तक ऑफिशियल मीटिंग्स और विजिट्स चलते रहे तो जिस मेहनत के साथ ये पॉइंट ठीक अप... है मैं आप ले रहा रू आप लोग आयोग हर कोई आता है मतलब पीटीआई उठा लें पीपल्स पार्टी उठा लें पी एम उठा लें सबका मोटिव होता है हमने काम करना है अपनी इंटेंशन में काम भी कर रहे होते हैं लेकिन दरमियान में जो है ना उसको ट्वीक करते हैं विद विदनल गेम देखिए अपने जो डिपार्टमेंट्स थे ना उसमें एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर जिससे ऑक्शनिंग का जो हम सिस्टम बता रहे हैं तो उसमें ऐसी माइंस थी जो कि 20 से 30 करोड़ रुपए की एक की वैल्यू थी ठीक है और वो 25-30 माइंस अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बांट दी गई अब इस सेटअप के अंदर ये है कि किसी का भी कोई भी ऐसा फाइनेंशियल पर्सनल या पोलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है और आप देखें कि छः आठ माह में एक समझें कि सुई भी जो है ना किसी ने नहीं ली मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि ना मैं तनख्वा लेता हूँ अच्छा जियो आर में मिनिस्टर्स को घर मिलता है मैंने वो भी नहीं लिया ना मैंने कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ पेट्रोल भी मेरा अपना है जो नौकर चाकर हाउस हेल्प मिलते वो भी हमने नहीं ली अभी हम चाइना गए आप यकीन करें कि हमने एयर ट्रैवल और बोर्डिंग लॉजिंग हर चीज़ अपनी जेब से की तो आप ये देखें कि ये जो हमारा अपना करंट सेटअप है इसमें ये कि जब आपकी इंटेंशन प्योर हो और वो हो कि आपने सर्विस टू द नेशन करनी है तो फिर आप सही तरह डिलीवर कर सकते हैं और जो ऐसे सेटअप हों जिनमें इंटरेस्ट ये आ जाए कि हमने अपनी जेब कैसे भरनी है तो फिर जो है वो आप आवाम को कुछ नहीं दे सकते दुआ करते हैं आप जैसे लोग और पाकिस्तान को मिलें मतलब ठीक है अच्छा आप इस काम कर रहे हो लेकिन आवाम को गर्ज है कि पॉलिसी के ऊपर ना आप मतलब ये ठीक है आपकी इंटेंशन है कि आप यूज़ नहीं कर रहे आप समझते हो कि मुल्क में टैक्स का पैसा है और सही जगह पे लगना चाहिए जिस तरह अभी आप पावर के अंदर आपने मैंशन किया कि जो माइन्स थी वो बीस तीस करोड़ के माइन्स दोस्तों यारों में बांटी गई हैं तो फ्रॉम एज अ मिनिस्टर तो आपने क्या एक्शन नहीं लिया या जो भी प्रोसीजर होता है नैब में डाल दें इस कोर्ट में डाल दें यार गलत है री एवेलूशन करें या फिर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तक वापस नहीं हो सकता हमने वो एक तो एक अलहमदिल्ला क्योंकि मुल्क व कौम का एक समझे एसेट था और ये किसी की झाती मल्कि तो हमने ये सारी कैंसिल कर दी और उसके बाद जो पिछले सेक्रेटरी और डीजी हाँ, थे इनके ऊपर तकरीबन पैंसठ करोड़ की करप्शन का केस है जो कि गया है और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन मैं वैसे लार्जर पिक्चर में देखता हूँ के so इस, इस, इस तरफ चले हाँ। गए लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो है समझे अकाउंटेबिलिटी जो है ना ये भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के, के लिए is like दिस, ये ये कब पे exist करती है कप, पे करनी है करनी कौन करता कोई और तो कर रहा होता है। मैं जो पिछली भी सारी बातें थी समझे डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट परसेंटेज के लिए हो रही है प्रोजेक्ट्स पोलिटिकल इंटरेस्ट पर्सनज के लिए हो रहे हैं अकाउंटेबिलिटी पोलिटिकल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो रही है तो जब ऐसा एक निज़ाम बन जाए तो किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती मैं ठीक काम किया साढ़े सात लोग पाकिस्तानी ने बाहर जाके यहाँ पे क्या उन्होंने रखा है फ्यूचर क्या कह रहे हैं साढ़े सात जो लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए ठीक काम किया पाकिस्तान फिर क्या रखा हुआ देखिए ये भी बहुत एक गलत बात है मैं देखता हूँ कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे तो, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री है लाइफ स्टॉक एंड डेरी डेवलपमेंट की पाकिस्तान जो है वो फाइव मिलियन डॉलर्स की मीट और डेरी की एक्सपोर्ट करता है ठीक है हमारी जो मीट और डेरी की एक्सपोर्ट की पोटेंशल है दैट इज़ 15 बिलियन डॉलर्स अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हलाल मीट की जो मार्केट है ग्लोबल दैट इज़ अबाउट टू थाउजेंड बिलियन डॉलर्स टू थाउजेंड बिलियन डॉलर्स और चाइना की सिर्फ जो बीफ की रिक्वायरमेंट है जो कि हमसे बीफ खरीदने को बिल्कुल तैयार है वो है अठारह अरब डॉलर की और आप ये देखें कि हम एक एग्रीकल्चर इकोनमी है हमारी सेवेंटी फाइव परसेंट जो फीमेल्स हैं रूरल एरियाज़ में दे आर लिंक टू लाइफ स्टॉक और ऊपर से नीचे तक वी आर ऑल हलाल तो इस सब होने के बावजूद इसके साथ साथ मैंने आपको माइनिंग में जो पोटेंशल और एसेट्स हमारे बताए कि हम पिछले डेढ़ साल से आई एम एफ के तले कर रहे थे कि हमें एक अरब डॉलर कर तो आप ये देखें कि इस मुल्क में जो पोटेंशल है दुनिया में वो पोटेंशियल कहीं नहीं है हमारी जो यूथ है इन टेन ईयर्स टाइम वी आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन बाकी जो मुल्क हैं जपैन है नॉर्डिक कंट्रीज़ के लोग एग्जाम्पल देते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्जाम्पल देते हैं इनकी पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है इनके पास लोग ही नहीं होने मुल्क चलाने के हमारे पास जो है दो चीज़ें एक ये कि वी कैन एक्चुअली बी द फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास तकरीबन आठ नौ मिलियन एकड़ लैंड है जो कि फूड प्रोड्यूस कर सकती है वीट प्रोड्यूस कर सकती है हम कॉटन प्रोड्यूस तो कर सकते हैं मेज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास जो लाइफ स्टॉक की बेस है हम मीट दे सकते हैं हम बीफ दे सकते हैं हम पोल्ट्री दे सकते हैं हम डेली प्रोडक्ट्स दे सकते हैं तो एक तो ये है कि वी कैन बी द फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और नंबर टू ये कि जिस भी चीज़ में आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए हम वो दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं वो आईटी में आपको चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग में आपको चाहिए वो आपको जिस सर्विसेज सेक्टर में चाहिए तो पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है वी कैन एक्चुअली बी द नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर ऑल वी नीड इज़ सेवन गुड ईयर्स ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमें साथ अच्छे साल मिल जाए तो पाकिस्तान जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं होगा बिल्कुल अच्छा अगर बात करें लाइफ स्टॉक सेक्टर की तो अभी का क्या क्या, क्या रिफॉर्मेशन होना बाकी है, या कहाँ से स्टार्ट लेना है क्योंकि मैं पढ़ रहा था कहीं पर तकरीबन आपका जो लाइफ स्टॉक के अंदर है बासठ फीसद आपकी जो लाइफ स्टॉक है वो आपका एग्रीकल्चर इकॉनमी को सपोर्ट करता है और फिफ्टीन परसेंट तो नेशनल जी डी बी आपका ये है जी तो हम इसको इन्हास क्यों नहीं कर पा रहे मतलब अगर करंटली जो मसले चल रहे हैं कहाँ पर मसले आ रहे हैं Uh, ये डिस्कशन uh, में थोड़ी डिटेल हो जाएगी लेकिन मैं ब्रीफ़ आउटलुक देता हूँ आपको नंबर वन देखें कि हमारा जो एवरेज यील्ड है पर एनिमल मिल्किंग वो होती है चार से पाँच लीटर जो ऑस्ट्रेलियन काओ uh, होती है वो एवरेज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लीटर्स मिल्क यील्ड देती है तो हमें जो एक काम करना है वो अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे करना है कि हमारी जो जानवर इनकी यील्ड बढ़े इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट डिवाइस किए जिसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हॉस्टन फ्रीजन को करें नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड में अपनी ताकि उसकी पाँच लीटर से दस बारह लीटर पे अगली जनरेशन में मिल्क यील्ड चली जाए नंबर टू ये कि हमारा जो बीफ का जानवर है उसका वेट कम है वो एवरेज थ्री हंड्रेड के जी वेट है इंटरनेशनल जो वेट चाहिए आपको वो पाँच साढ़े पाँच सौ किलो चाहिए तो हम ये करें कि जो ब्राह्मण मीट की ब्रीड है इसकी आशिनेशन करें हमारी लोकल नॉन डिस्ट्रिप्ट से कि इसका एवरेज वेट बढ़े और ये जो डेढ़ दो सौ किलो एक्स्ट्रा मीट जनरेट होगा ये सब एक्सपोर्ट मार्केट के लिए जाए तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हैं डिजीज़ फ्री है उसके लिए हमने एक नया जोन बनाया है फाइव किलोमीटर जोन ट्वेंटी थाउजेंड एनिमल्स ऑल वैक्सीनेटेड टैग्ड इन दैट जोन चाइना जो है वो कहता है कि हम अपना सारा मिल्क आपसे ख़रीदना चाहते हैं आप देखें कि हमारे बॉर्डर के ऊपर डेढ़ सौ करोड़ लोग हैं जिन्हें रोज़ खाना है रोज़ पीना है रोज़ ओढ़ना है तो हमारे पास जो बेस है जो मार्केट्स हैं सेंट्रल एशिया की जी सी सी की और पोर्ट है और जो ह्यूमन रिसोर्स है ये तो दुनिया में किसी के पास नहीं है ठीक है अच्छा सर टोटली एग्री विद योर पॉइंट लेकिन थोड़ा सा उस पर मैं एक ऐड कर दूं फॉर एग्जांपल आपने बात की कि ब्रीड को आपने प्रोडक्शन बढ़ाना है ठीक है आप साथ में आपने बाकी जो है आपका वेट इंक्रीज़ करना है ठीक है तमाम चीज़ें करनी है प्रोजेक्ट इनिशिएटिव ले भी लिया है लेकिन जो 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 हिस्ट्री मुझे पता है या जो मैं पढ़ा था आई माइट बी रॉन्ग अभी तक आपका जो लाइफ स्टॉक है ना सेंस दो हज़ार छः का हुआ हुआ है अगर नंबर आपके पास है ही नहीं कि आपका कहाँ पे लाइफ स्टॉक कहाँ एग्जिस्ट करता है मुल्तान में कितना है भालपुर में कितना है आप क्या डिसीजन पॉलिसी बनाओगे अभी तो सिंपल वो छोटे छोटे नहीं होता शॉर्ट टर्म आप इंजेक्ट इंजेक्ट कर रहे हो हम ये काम कर रहे हैं लेकिन द ब्रॉडर परस्पेक्टिव जो आप बात करेंगे दो हज़ार डॉलर की इंडस्ट्री आपकी है तो उसके तो फिर आपको एक

eh, hé, een livestock. इसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं ताकि वो एक जो है वो दो का काम करे और जो आप पास एक्सेस हो वो आप एक्सपोर्ट करें अच्छा सर एक और बेहतरीन आप हम जिक्र कर रहे थे मेट्रो लाइन ऑरेंज लाइन ट्रेन का ठीक है उस पर आपने कहा कि एक, एक उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट ये होता है कि कार्बन इमिशन आपकी रोकता होता है ठीक है अब लाहौर में बड़ा मसला एयर क्वालिटी इंडेक्स का और उसकी एक प्राइम रीज़न जो कि शायद आपका जो बचपन होगा आपने शायद बड़ा साफ लाहौर देखा होगा क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज़ नहीं थी ठीक है इंडस्ट्रीज़ खराब अभी भी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं की है जो एक मेजर इंपेक्ट आते हैं ट्वेंटी थर्टी जो किसान जाके ना अपनी जो फसलें जला रहे होते हैं जैसे स्टबल बर्निंग कहते हैं या फिर जो लेफ़्ट ओवर होता है जो क्रॉप तो उस पर गर्मी क्यों ना काम हो रही है बार बार क्योंकि वो अच्छा खासा अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जला रहे होते हैं आप जाओ मोटर हो ट्रैवल करो हर जहाँ नजर उठा देखो आप वहाँ पर जाके धुआं निकल रहा है तो वहाँ पर हम नाकाम क्यों हो रहे हैं स्मॉक जो है ना ये पिछले पाँच छः सात साल से मैंने देखा है कि इस पर गवर्नमेंट जो है लगी रही है लेकिन मेजॉरिटी जो है उसके तीन चार एस्पेक्ट्स हैं एक तो ये कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बैकवर्ड चल रही है उसके अंदर कोई भी एग्जॉस्ट जो फ्यूम्स वो जो भी अपने इमिशन है उसकी कोई प्योरिफिकेशन नहीं होती पूरी दुनिया के अंदर ऐसे यूनिट्स होते हैं कि उसके अंदर वो उसको ट्रीट करके वो अपनी एयर आ, करते हैं कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है या किसी और एडमिट तो इसके ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन किया है इंडस्ट्री बंद भी हुई है बार बार इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट लगे लेकिन ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं है नंबर टू आपकी ब्रिक किन्स होती हैं ये इसमें ज़िग जैग जो है वो टेक्नोलॉजी उसको भी काफ़ी क्रैकडाउन किया गया है कि उनको बंद भी करें और उनको इंस्टॉल भी करें बट वो भी एक है ऐसी चीज़ के बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमें ऐसे उसमें है कि वो अफोर्डेबिलिटी या आर ओ आई या इट इज़ इन्वायरमेंट वर्सेज़ इकोनॉमी कि आप इन्वायरमेंट को बचा लें तो इकानमी नहीं बचेगी इकोनॉमी को चला लें तो इन्वायरमेंट नहीं बचेगी फिर ये कि ट्रांसपोर्ट आप देखें कि जो गरीब आदमी है रिक्शा चला रहा है दो ढाई लाख रुपए का रिक्शा है दिन का हज़ार रुपये दिहाड़ी कमा रहा है आप उसको कहें कि तुम्हारा रिक्शा ठीक नहीं है तुम नया रिक्शा लो नई टेक्नोलॉजी का और कुछ बाइक्स हैं पुराने पचास हज़ार रुपये की उसका जो है वो उसको आप कहें कि अपने ई यू फाइव पे आ जाओ तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो हमारी ऐसी है कि हमें थोड़ा सा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है ये तो और इनको छोटे शहर ये तो विद टाइम ठीक होगी ना इंडस्ट्री को करना है आपने फॉरन से आपने रेगुलेशन आपने बना भी लिया पॉलिसीज वगैरह टाइम लगेगा उसको अभी आप एस जीरो पे कर रहे हो शायद पाँच साल दस साल लग जाएंगे कम्प्लीटली आपको गो ग्रीन जाते हुए ठीक है लेकिन जो आप बात करते हैं फूड फैक्ट्री बनाना है आपने इतनी ज़्यादा आपकी आपकी मार्केट अवेलेबल है आप जो करते हो स्टेबल बर्निंग उससे ओवर टाइम ओवर टाइम जो सॉइल के न्यूट्रेंट होते हैं वो आपके डाई आउट हो जाते हैं तो आपकी वो प्रोडक्टिविटी रहेगी नहीं तो वहां पे वो मेजर है हम शॉर्ट टर्म पे जाके वो जला देते होते हैं शायद वक्त बच रहा होता है तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को वी नीड नीड टू तो टेक सीरियस एक्शन अच्छा चलिए आई एग्री खुश हुई कि यू गॉट एग्रीड विद मी अच्छा थोड़ा सा डिस्कशन को थोड़ा सा हम लाइटर नोट पे लेके आते हैं हम बड़ी हमने डिस्कस कर ली ये इकॉनमी पॉलिटिक्स और जितने माइनिंग के अंदर मसले वगैरह जिस तरह से आप मतलब काफ़ी यंग एज के अंदर जाके मिनिस्टर बन गए और तो थोड़ा मुझे उसके बारे में बताएं कि ये कैसे हुआ क्योंकि अल्टीमेटली अब यू चला रहे थे आपका एक मेन विजन था कि मैंने इस इदारे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड uh, पर लेके जाना है जब आपने ख़ुद अप्रोच किया लोगों ने किया या फिर हाउ इट ऑल हैपेंड ये एक तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट के द चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड एंड सिलेक्टेड मी एंड वॉन्टेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्स कैबिनेट और ऑबियसली ये काफ़ी बड़ी समझे अपॉर्चुनिटी mm -hmm. भी थी और एक ऐसी पोजिशन है जिसमें आप बहुत मैस लेवल पे आ, चेंज और इम्प्रूवमेंट ला सकते थे तो X मैंने इसमें मेरा कभी ऐसा नहीं था कोई आइडिया के मैं प्रोवेंशल मिनिस्टर कभी बनूँ मेरा ये था कि आई वॉन्टेड टू तो सर्व एंड बी इन्वॉल्व इन गवर्नेंस बट uh, मेरा ऐसा कोई प्लान कभी नहीं था लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो आई वेलकम डिट और मैंने कोशिश की कि मैं जो जो इंटरवेंशन करूँ उससे एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे और मुल्क के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आए और यही हमारा विजन है इस सेटअप का चीफ मिनिस्टर का कि एक शॉर्ट पीरियड में हम ऐसी एफर्ट करें कि जो जिससे आने वाले वक्त में भी लोगों को फ़ायदा हु अच्छा वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि अक्सर लोग अपनी सियासत में ज़िंदगी गुजार देते मिनिस्टर नहीं बन पाते और आप एक क्वाइट यंग एज में आके और एक एक अच्छा एक चॉइस थी क्योंकि एजुकेटेड टैलेंटेड बंदा वहाँ पर आ रहा है वी नीड मोर पीपल लाइक यू अच्छा आपका पहले बैकग्राउंड एजुकेशन के ऊपर था मिनिस्ट्री आपको मिली बलद्यात की लोकल गवर्नमेंट की तो आपने कहा नहीं कि यार ये तो मेरी नीच नहीं है मैं 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 यहाँ अच्छा काम कर सकता हूँ मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपने लोकल गवर्नमेंट करनी है लोकल और लोकल गवर्नमेंट जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट और काफ़ी उसमें ऑपरेशनल होते हैं मेनली इश्यूज़ के आपके सफाई के इश्यूज़ हैं सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं नक्शा टी एमए से पास नहीं हो रहा या आपके स्ट्रीट लाइट्स हैं स्ट्रेट डॉग आ गए कोई बर्थ डेथ मैरिज सर्टिफिकेट इशू होना है तो बड़े बेसिक लेवल के थे एंड रियली इंजॉयड इट क्लिनलीनेस सारी उसमें आती है और कुछ ऐसे के हमने इंटरवेंशन की हमने जिसमें जिस तरह सर्टिफिकेशन हैं अब हमें पता लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो मांग लेते हैं पैसे दो हज़ार पाँच हज़ार और हमने कोशिश की कि उस प्रोसेस को डिटाइज़ करें नादरा के साथ तो सत्रह लाख पचास हज़ार बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं और अगर आप पता लगाएँ कि दो हज़ार रुपये एक सर्टिफिकेट पर दे रहे हैं तो ये तकरीबन तीन सौ अस्सी करोड़ रुपए हैं जो कि पंजाब की आवाम सिर्फ अपने बच्चों की पैदाइश पे दे रही है तो हमने नादा के साथ इस प्रोसेस को डिटाइज़ किया है और जल्द जो है आपको घर बैठे बैठे आपके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे फिर यह कि एक अपने आ, सर्विस कैंपेन शुरू की पंजाब सफाइन सेमाम कैंपेन के पूरे पंजाब में वी लिफ्टेड टू हंड्रेड थाउजेंड टनस ऑफ वेस्ट और प्लॉट्स थे जो कई सालों से क्लियर नहीं हुए थे उनको क्लियर किया वी रैन सेवनटीन थाउजेंड अवेयरनेस कैम्पेन्स तीन हज़ार मसाजिद में खुतबा हुआ है इस बात पे इसकी इम्पॉर्टेंस पे फिर ये कि डेढ़ हज़ार हमारे लोकल गवर्नमेंट के ट्रांसफ़र्स थे और पिछली बार जो ट्रांसफ़र्स हुए उसमें ये आया कि किसी पोजीशन पे एक करोड़ ले लिए किसी पचास लाख बिक बिक्री जी को पोजीशन दिया हमें आया तो वो डेढ़ हज़ार ट्रांसफ़र हुए और एक चूँ जो है ना कहीं भी पूरे पंजाब से नहीं हुई तो इसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर हमारे पाँच हज़ार गोस्ट एम्प्लॉयज़ थे और रूट्स की ऑप्टिमाइजेशन नहीं थी गाड़ी इधर जाती थी फिर उधर जाती थी वो जो जो भी वजह तो थी बेसिक आप लोगों वो रूट की रूट ऑप्टिमाइजेशन तो लाहौर के अंदर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं लेकिन जो उससे बड़ी बात है वो ये कि वी स्टार्टेड सेविंग 100 मिलियन रुपीस अ मंथ वन हंड्रेड मिलियन रुपीज अंथमेंटमेंट कंपनी के सवा अरब रुपए यहाँ से आपके बच गए तीन अरब अस्सी करोड़ आपके से वहाँ से सेव हुए फिर एक और जो हमने काम किया वो ये कि कैटल मार्केट्स का ऑप्शन था पिछले साल इन कैटल मार्केट्स का ऑप्शन हुआ तीन अरब पचपन करोड़ में हमने वही कैटल मार्केट्स का ऑप्शन कराया पाँच अरब सत्तर करोड़ में हमने बस टीम को कहा कि आपने ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑप्शन करना है अपने ऑफिस में नहीं करना किसी होटल में करना है और सोशल मीडिया और टीवी पे ये लाइव स्ट्रीम होगा ठीक तो है तो आप देखेंगे ऐसी छोटी मोटी अगर आप इंटरवेंशन करें तो आवाम को उससे कितना ज्यादा फायदा होता है राइट राइट अच्छा इतने तो ये एक चैलेंज था मेरा बेसिकली बैकग्राउंड तो एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन में था तो लेकिन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड होने की वजह से आई वॉज एबल टू डू थिंग जिससे अच्छा फायदा हो गया अच्छा लास्ट में ये बताएं छः सात महीने के लिए आपने एज अ मिनिस्टर इन्जॉय किया है शायद आगे भी कोई पता नहीं कब तो नहीं किया तकलीफ ही होता है सो, सो, मतलब वो आवाम को सर्व किया क्योंकि अल्टीमेटली आपका ये था पर्पज़ कि आवाम को सर्व करना है तो अल्टीमेटली आप इन्जॉय कर रहे थे उसको ठीक है तो दोबारा अगर मौका मिला लट से कि दोबारा मिनिस्टर बनने का थ्रू ज्वाइनिंग पोलिटिकल पार्टी तो हम आपको देख रहे होंगे अगले अगले कुछ इलेक्शन के अंदर दोबारा से आप अपनी पार्टी बना रहे हो या फिर किसी पार्टी का पार्ट बन रहे ये जितनी भी है ना, टर्म आप ठीक नहीं कर सकते एक, एक, नजर आ रही है ना इसके अंदर पार्ट बनना पड़ेगा गो टू तब जाके आप ठीक करोगे वो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना वो आपको पता हो चाहिए आपने जो पहले भी बात की लोगों का जो एंड है ना वो ये होता है कि हम मिनिस्टर बन जाएँ ठीक है और वो ये नहीं देखते कि इट इज़ अ मींस टू एन एंड कि इसके ज़रिए हम तब्दीली या चेंज या इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे तो अगर कोई भी आदमी ये सोच रहा हो तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है या कोई नाजिम बनना है या वट मैंने सी करके गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है उसको ये होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान को कुछ देना है इसके अंदर कुछ बेहतरी लानी है गरीब जो है इसकी कोई तकलीफ दूर हो आम आदमी जो है इसका कोई दुख दर्द कम हो तो ये आपके अंदर जो है मेन मोटिव होना चाहिए एंड गोल होना चाहिए बाकी जो सब चीज़ें ये सब आने तो जाने का तमाम वाली है तमाम मोटिव लेके आप आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर

गया तो उम्मीद है आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए जिनका अपना स्टेक कोई भी ना हो और दो दे रियली टू सर्व द पीपल तब जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान ऊपर जाएगा ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर पॉडकास्ट इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर पॉडकास्ट प्लीज नेटेड एंड खुदा नेक्स्ट एपिसोड